से वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उन्होंने रस्सी वगैरह बांध के जहाँ पर कोई उधर चला ना जाए नाले वगैरह में, वो रस्सी बांध के और छाते लेके खड़े हो गए थे सेफ्टी के पर्पज से। अभी खैर जो रास्ता है वो खुल चुका है अभी कहीं कहीं। दोस्तों गुजरात के अंदर पिछले 3 दिनों से इसी तरह की बारिश हो रही है, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बारिश चल रही है। 3 दिन आज तीसरा दिन है, आज इसी तरह की बारिश हो रही है। कल थोड़ा राहत थी, कल कम बारिश हुई थी, नहीं तो परसों और आज तो नाइट से ही बारिश चल रही है। आज तो काफ़ी हुई है, परसों का भी रिकॉर्ड मुझे लग रहा है टूट गया होगा, तो हम लोग अपनी दुकान पे भी नहीं जा पाए अभी जा रहा हूँ मैं तो। दोस्तों ये जो वीडियो है वो शाम के टाइम का है और ये अंदाड़ा की तरफ से जब हम ब्रिज पार करके छोटा मार्केट की तरफ जाते हैं तो ब्रिज से लिया हुआ मेरे द्वारा ये वीडियो है। मॉर्निंग टाइम पे तो यहाँ पूरा पैक था और पब्लिक भी बहुत सारी खड़ी हुई थी ब्रिज पे, तो मैं उस तरफ था, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी तो पानी बहुत कम हो गया है और आगे चल के मेरी भी बाइक इसी तरह से निकली थी, बट शाम के टाइम में जब वापस आया तो थोड़ा राहत थी उधर और इधर भी अभी थोड़ी राहत है। तो इस तरह की बारिश हुई है गुजरात के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुई है, आपने ये वीडियो में देखा। ये देखिए बाइक की स्कूटी डूब जाती है, ये है अपना ब्रिज जो रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करता है। ये देखिए इस बाइक का भी, बाइक का साइलेंसर डूब रहा है ये देखिए, लेकिन ये बड़ी है गाड़ी खींच ले गया तो बंदा। ये देखिए पूरा पानी भरा, दुकानों में गया चेक चला गया, घरों में अंदर तक पानी चला गया है। और अभी भी रिमझिम बारिश हो ही रही है और आप देख सकते हैं किस तरह से पानी घरों में चला गया है। देखिए दोस्तों जैसा आपने वीडियो में देखा कि मैंने पानी वीडियो में दिखाया, तो बिल्कुल वैसा ही गुजरात के अंदर बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है कि 3-4 दिन से बारिश हो ही रही है। तो गुजरात जहाँ मेरा घर है अंकलेश्वर सिटी में, उसके आसपास पानी इधर तो सोसाइटी हमारी ऊपर है, तो थोड़ा सोसाइटी हमारी ऊपर है इसलिए थोड़ी राहत है, नहीं तो अगर आप जिस तरफ मेरी शॉप पड़ती है उस तरफ के इलाके काफ़ी हद तक डूब गए हैं। और मॉर्निंग में जब मैं गया था तो सेफ्टी के पर्पज से वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उन्होंने रस्सी वगैरह बांध के जहाँ पर कोई उधर चला ना जाए नाले वगैरह में, वो रस्सी बांध के और छाते लेके खड़े हो गए थे सेफ्टी के पर्पज से। तो बहुत ज़्यादा पानी का भराव हो गया है, आज पूरा मार्ग रुक गया है। अभी गुजरात में जहाँ अंकलेश्वर सिटी है वहाँ पे पूरा चारों तरफ ही पानी है, तो सिटी में हमारी दुकान है तो वो दुकान आज पूरा सिटी ही बंद रहा है, 2-4 दुकान ही खुली थी, जिसको काम था वो गए थे, जैसे हम गए थे हमें थोड़ा काम था जैसे तैसे निकल के गए थे। तो अभी खैर जो रास्ता है वो खुल चुका है, अभी कहीं कहीं बंद है, जैसे कि अगर आप महावीर टर्निंग पड़ता है यहाँ पे उधर जाएंगे तो उधर रास्ता अभी पानी का भराव है, बाकी जगह पर धीरे धीरे सही मतलब पानी कम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, और आपके यहाँ कैसी बारिश हो रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और लविसा देख रही कार्टून, लविसा की कई दिनों के बाद आज तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है, 3 दिन हो गए कंटिन्यूसली उसको, चार दिन हो गए, आज चौथा दिन है, आज इसको थोड़ा आराम है, अच्छे से खेल रही है ये देखिए लविसा। और मैं इसको बोल रहा था कई दिनों से जूस पी ले, कुछ भी नहीं पीती थी, नारियल पानी भी नहीं पीती थी, आज थोड़ा तबीयत में सुधार है तो अब जूस भी पी रही है। और डॉक्टर ने लिक्विड लेने के लिए ज़्यादा बोला है तो लिक्विड भी कुछ भी नहीं खा रही थी, पी रही थी, थोड़ा सा भी सुधार है तो अभी खा रही है, जूस पी रही है। दोस्तों हेलो करो ना बच्चा, हेलो करो ना, ये अब आपकी तबीयत कैसी है बच्चा, अब आपकी तबीयत ठीक है बच्चा,
अभी इसकी तबीयत ठीक है। चलिए दोस्तों,